और अंबिकापुर में एक लव जिहाद का मामला सामने आया। दरअसल अपना धर्म छिपाकर एक महिला से एक शख्स ने पहले दोस्ती की और हिंदू बनकर विधवा महिला से उस शख्स ने दोस्ती की और महिला को अपने धर्म के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं दी। उसके बाद महिला से दोस्ती करने के बाद सिंदूर लगाकर विधवा महिला से शादी कर ली उसने, जिसने अपना नाम पहले राजा महंत बताया और बाद में जब उसकी सच्चाई सामने आई तो पता चला कि राजा अंसारी उसका नाम है। महिला एसपी ऑफिस पहुंची, एसपी से उसने शिकायत की और जान से मार देने, फोटोज वायरल कर देने जैसे मामले, जैसे धमकियां वो देने लगा। और फिलहाल पुलिस ने मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और इस पूरे मामले में जो आरोप लगे उसके तहत कार्रवाई की जाएगी, पुलिस ऐसा पीड़िता को आश्वासन दे रही है। एक मुसलमान लड़का है जो अपना का बोलते हैं कि मेरा धर्म बता के वो मेरे से बात करता था, हिंदू बता के बात करता था और का बोलते हैं अपना नाम भी, नाम तो सही बताया था लेकिन मैं उसका कास्ट गलत बताया था। क्या बोला था कि वो हिंदू है? हाँ, मैं उसका नाम राजा महंत बताया था मेरे को और उसका नाम राजा अंसारी है रियल में। फिर क्या क्या हुआ है? मेरे को क्या बोलते हैं मेरे घर तक भी गया था वो, तो भी बताया मेरे मम्मी पापा को कि मैं महंत हूँ करके। फिर वहाँ से मेरे को लेके आया अंबिकापुर, अंबिकापुर में 20 दिन रखा मेरे को। 20 दिन में मेरे को पता चला कि वो मुसलमान है, तो मैं आने की कोशिश करती थी लेकिन मेरे को ज़बरदस्ती को रखता था और मेरे साथ ज़बरदस्ती करता था। धर्म परिवर्तन? हाँ, धर्म परिवर्तन करने के बोले था। और क्या बोलते हैं उसके भैया के पास गई थी, भैया को बताई भी तो वो भी बोलने लगा कि अब धर्म परिवर्तन कर लो नहीं तो जान से मार देंगे। एक लड़की है, उससे एक लड़का प्रेम संबंध है में थी और लड़की को अपना नाम जो है उसने राजा महंत उसी के कास्ट का बताई थी। तो लड़की चूँकि पहले से शादीशुदा थी और अपने लिए शादी के लिए नए लड़का भी ढूंढ रही थी, तो लड़की अपने घर में भी मिलवाई, सब जगह मिलवाई, बहुत दिनों तक साथ में रहे और बाद में जब ये लोग अलग से रहने लगे एक औपचारिक शादी के बाद, तो कई दिनों बाद लड़की को पता चला कि वो हिंदू ना होके दूसरे धर्म मुसलमान लड़का है। तो जब लड़की उससे अलग होना चाह रही तो लड़का जो है उसको धमकी चमकी दिया कि तुम्हारा वीडियो वगैरह है, तुम मेरे से अलग होगी तो मैं वायरल कर दूंगा। और उसका जो भाई से भी, लड़की ने उसके लड़के के भाई से जब बात की तो लड़की के भाई, लड़का का जो भाई है वो भी लड़की को धमकी उमकी देने लगे। आज अभी कुछ देर पूर्व एक महिला के द्वारा आकर, युवती के द्वारा शिकायत दी गई थी कि किसी युवक के द्वारा उसके साथ जो है अनाचार किया गया है। ऐसी शिकायत आने पर तत्काल इसमें महिला अधिकारी को के साथ में उसका बयान लिया गया है और इसमें जो अग्रिम कार्यवाही होती है वो की जा रही है। और अभी जो जिस युवक के और कूनू नेशनल पार्क की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं और इस बार कारण है मादा चीता निर्वा का लापता होना। दरअसल निर्वा की 3 दिन से खोज जारी है, कहां है मादा चीता, सवाल लगातार उठ रहा है। मादा चीता की खोज के लिए टीम्स लगी हुई हैं और आपको बता दें कि उसका सुराग अभी तक क्यों नहीं मिल पाया।